हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुरेवाला क्रिकेट ब्लॉग। तो गाइस, आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप टेनिस बॉल में लॉन्ग लॉन्ग सिक्स कैसे लगा सकते हैं। लाइक तमोर मिर्जा, खुरम चकवाल, फाहद मियां चन्नू, इन जैसे प्लेयर आप कैसे बन सके, मतलब आप टेनिस बॉल में आप लॉन्ग लॉन्ग सिक्स कैसे लगा सकते हैं। अगर आप भी टेनिस बॉल में एक अच्छा बैट्समैन बनना चाहते हैं, आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं आज इस वीडियो में आप चार बेसिक टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप टेनिस बॉल में लॉन्ग लॉन्ग सिक्स लगा सकते हैं। हर साइड पर, हर एरिया पर आप शॉट्स लगा सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने भी लॉन्ग लॉन्ग सिक्स लगाना सीखना है तो आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑप्शन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस, सबसे पहले मेन बैटिंग का, टेनिस बॉल में मेन बैटिंग स्टांस है। अगर आपका बैटिंग स्टांस ही नहीं ठीक तो आप कैसे अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं। सबसे पहले आपने अपना बैटिंग स्टांस ठीक करना है। गाइस, अक्सर बिगिनर बच्चे क्या करते हैं, जब भी बैटिंग पर आते हैं तो इस तरह ओपन खड़े हो जाते हैं। जब भी आते हैं ओपन इस तरह खड़े हो जाते हैं ताकि उनसे ऑफ वाला एरिया नहीं खेला जाएगा। आपने हर साइड पर हर शॉट्स खेलनी है। अगर आपने हर साइड पर हर शॉट्स खेलनी है तो आपने मेरे बैटिंग स्टांस को आपने फॉलो करना है। अक्सर बिगिनर बच्चे इस तरह खड़े रहते हैं, इस तरह बैक वाला एरिया खेल सकते हैं, इस तरह खेल सकते हैं, लेकिन ऑफ पर नहीं खेल सकते। इस तरह खेलेंगे तो बॉल उनकी हवा में चली जाएगी, कैच फील्डर कैच पकड़ लेगा। तो गाइस, आपने जब भी बैटिंग स्टांस देना है तो आपने क्या करना है, आपने थ्री स्टंप है ना, आपने इसको क्लोज करना है। अगर आप इसको क्लोज नहीं करोगे, फास्ट बॉलर आपको इधर बॉल देगा तो आप आउट हो सकते हैं। आपने इसको क्लोज करोगे तो आपके आउट होने के चांस भी कम हो जाएंगे। तो आपने इस तरह खड़े होना है, आपने मिडिल स्टंप पर ऐसे मार करना है, फिर आपने इस विकेट को क्लोज करना है। आपने इस तरह खड़े हो जाना है ताकि आप हर शॉट्स खेल सकते हैं, आप आउट ना होंगे, आपका आउट होने का चांस कम हो जाएंगे। तो गाइस, जो दूसरे नंबर पर आपने क्या करना, आपका बैट का ग्रिप। अगर आप बैट को ग्रिप ही नहीं सही करते तो आप शॉट्स नहीं खेल सकते। आपने जब भी बैट को ग्रिप करना है, आपने इस तरह वी शेप तरह पकड़ना है बैट को, ये देखें वी शेप। तो गाइस, जब भी आपने लॉन्ग लॉन्ग सिक्स लगाना है तो आपने लॉन्ग सिक्स लगाने के लिए आपने हैंड, दोनों हैंड को मजबूती से नहीं पकड़ना। अगर आप दोनों हैंड को मजबूती से पकड़ोगे ना, आपका आप कैच आउट हो सकते हैं, आपसे शॉट्स नहीं खेली जाएगी। आपको आप फास्ट बॉलर आपको पढ़ लेगा कि इसने दोनों हैंड्स मजबूती से पकड़े हुए हैं। अगर आपने लॉन्ग सिक्स लगाना है, आपका जो बॉटम हैंड है ना, इसको आपने मजबूती से पकड़ना है। जब भी आप बॉटम हैंड को मजबूती से पकड़ोगे तो आप देख रहे हैं इस तरह कितनी अच्छी शॉट्स लगेगी। आपने जब भी टेनिस बॉल में बॉटम हैंड को मजबूती से पकड़ोगे, फिर आपका शॉट्स अच्छा लगने के चांस है। अगर आप इसको हल्के से पकड़ोगे, आप आउट हो सकते हैं। तो आपने इस तरह बॉटम हैंड से आपने मदद लेनी है, ये देखिए आपने ऐसे। तो गाइस, तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है, आपने अपने हेड को स्टिल रखना है। अगर आप इस तरह से खड़े हो जाएंगे तो आप शॉट्स नहीं खेल सकते, आपकी बॉडी, आपका बॉडी ट्रांसफर आगे गिर गया। आपने अपने हेड को एक सीधा आपने स्टिल रखना है। आपने फास्ट बॉलर के हाथ को वॉच करना है। अगर आप फास्ट बॉलर के हाथ को वॉच ही नहीं करोगे तो आपसे शॉट्स नहीं लगेगी। आपने इस तरह स्टिल रखना है, आपने जैसे बॉल फास्ट बॉलर ने बॉल डिलीवर की, आपने ऐसे फ्रंट फुट यूज करना और आप इस तरह से शॉट्स लगा देंगे। तो गाइस, चौथे नंबर पर आपने क्या करना है, फोर्थ टिप मेरी है कि आप बॉल पर कितना पहुंचते हो। अगर आप इस तरह खड़े खड़े खेलेंगे तो आपसे शॉट्स नहीं लगेगी। आप इस तरह खड़े खड़े खेलेंगे, कैच हो सकता है, आप आउट हो सकते हैं, फील्डर आपका कैच लेगा। जब भी आपने शॉट्स खेलनी है, लॉन्ग सिक्स लगाना है, तो आपने अपने पांव का यूज करना है, अपने फ्रंट फुट का यूज करना है। इस तरह आप बैटिंग स्टांस पर खड़े हैं, आपने इस तरह पांव निकाला और ऐसे आपने शॉट्स लगा दी। जब भी आपने शॉट्स लगानी है, अपने पांव का यूज करना है इस तरह से। जैसे आपने लेग वाली शॉट्स को लेग पर ही खेलना है, ऑफ वाली शॉट्स को आपने ऑफ पर ही खेलना है। अगर आप ऑफ वाली बॉल को लेग पर खेलेंगे तो आप आउट हो जाएंगे। तो भाई, ये थी टेनिस बॉल में आप लॉन्ग लॉन्ग सिक्स कैसे लगाएं। भाई, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।